Oh!
तो दौसा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भव्य रोड शो। दौसा विधानसभा उपचुनाव का रण पूरी तरह से तैयार और दौसा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ये भव्य रोड शो लगातार जारी है। उनके साथ आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए वोट मांग रहे हैं, जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो वहीं बड़ी संख्या में यहाँ पे आम जनता भी मौजूद है, जो यहाँ पे जम के नारेबाजी भी जनता की तरफ से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भव्य रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए मांग रहे हैं वोट, जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी सड़कों पर एकत्रित हो गए हैं और हाथों में बीजेपी का झंडा लिए लोग बीजेपी के नारे भी लगा रहे हैं। दौसा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का रोड शो लगातार जारी है, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रोड शो में मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन हाथ हिलाते हुए स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। ये बड़ी जानकारी और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये रोड शो जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये भव्य रोड शो भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में सड़कों पर समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीर भी आपको दौसा से लाइव दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान जनसैलाब उमड़ा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा भी सवार हैं, साथ ही साथ मदन राठौड़ उनके साथ इस रोड शो में शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, जो इस वक्त इस रोड शो में सीएम के साथ मौजूद हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा भी उनके साथ इस रोड शो में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दौसा की सड़कों की भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनसैलाब समर्थकों का सड़कों पर उमड़ा हुआ है और सभी के हाथ में बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री के स्वागत में दौसा की सड़कों को बिल्कुल भगवा तैयार कर दिया गया है। पोस्टर, बैनर और झंडों से पाट दिया गया है। दौसा के सभी मुख्य मार्गों पर भाजपा नेताओं के कटआउट, झंडे, बैनर और गुब्बारे सजाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त रोड शो कर रहे हैं दौसा से, जहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी के जगमोहन मीणा, उनके समर्थन में ये रोड शो किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में प्रचार अभियान जोरों पर है और कांग्रेस, भाजपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सीएम के रोड शो को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी सुदृढ़ रखी गई है। और सबसे खास बात इस दौरे को लेकर यह भी आपको बता दें कि 18 दिन में दूसरी बार सीएम का दौसा में यह दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा का 18 दिन बाद ही ये दूसरा दौरा दौसा में देखने को मिल रहा है। तो सामान्य मतदाताओं को साधने में सीएम का दौरा अहम साबित हो सकता है और तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। भारत माता की, नीलकंठ महादेव की, श्री पंत महादेव की, सतराज माता की, बेनीपुर बालाजी की, तीनों के बालाजी की, आप सबकी आज के इस रोड शो में जैसा आपको पता है कि 13 तारीख को चुनाव है। आज के इस रोड शो में तो माननीय हमारे मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके बारे में। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे डॉक्टर क्रोधिलाली जी मीना साहब, हमारे मंत्री जवाहर सिंह यादव साहब,
पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं सभी हमारे जनप्रतिनिधि विधायक मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन से सरकार बनी थी मेरे मन के अंदर एक चीज थी और वो चीज यह थी कि दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर निकला है, मैं इसका विकास करना चाहता हूं और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा पार्टी का काम करते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये कॉरिडोर राजस्थान के भाग्य को बदलेगा, पैसा के भाग्य को बदलेगा, पूर्वी राजस्थान के भाग्य को बदलेगा। इसलिए मुझे एक ऐसे पढ़े लिखे अनुभवी और एक जगमोहन जी जैसे एक विधायक की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कोटा के विकास के विकास के लिए और दिल्ली कॉरिडोर कोटा तक जो हमारा जा रहा है उसके विकास के लिए और हमारे ईआरसीपी की मैं बात करूँ, अरे मैं आपकी दुख दर्द को सबको समझता हूँ क्योंकि मैं भी उसी दुख से निकला हूँ कि किसान के लिए पानी की कितनी बड़ी समस्या होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देशा का पूर्वी राजस्थान का भाग्य बदलने के लिए आपको जगमोहन जी मीणा को भारी बहुमत से जिताना है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कई लोग समझते हैं कि ये तो इसलिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के भाई हैं, कई लोग कुछ समझते हैं, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इनकी योग्यता और इनका काम मैंने देखा है, इसलिए जगमोहन मीणा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको भेजना है और हमने हमारा इस कॉरिडोर में भी काम करना है और डॉक्टर साहब कह रहे हमारे ईआरसीपी डॉक्टर साहब की ईआरसीपी को आपको मैं बताऊं अगले महीने शिलान्यास होने वाला है। मेरे दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ जो हमारी सरकार हमारे संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके क्षेत्र में काम करेगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ और मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी भाव और भावना को मैं समझता हूँ, इसलिए युवा भाइयों जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं ये माला पहना दूँ, ये जगमोहन जी को माला पहना दूँ, इधर से हाथ उठाइए, ऊपर से हाथ उठाइए, सभी बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आपके विकास के लिए और आपके लिए जगमोहन जी हैं, मैं पुनः कहूंगा कि जगमोहन जी को भारी बहुमत से जिताएं, इतना मेरा आप सभी से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।